मैं सुखदेव सिंह होगा, मेरी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जो ये आज तक वाले स्टिंग की रोर की बात कर रहे थे, जो कालवी साहब नोएडा ऑफिस में बैठ करके जो ये सारा ड्रामा करवा रहे थे, आज भी मैं साहब ही लगा रहा हूं, कालवी साहब वो सारा ड्रामा नोएडा ऑफिस में बैठ के करवा रहे थे। आज से 4 महीने पहले एक लड़का आया, इन्हीं का भेजा हुआ, बोला औरंगजेब के ऊपर हमें फिल्म बनानी है और उसमें आपकी मदद की जरूरत है। मैंने कहा मेरी क्या मदद चाहिए उसमें बताओ। बोले हमें ये चाहिए कि इसमें औरंगजेब की हम ओरिजिनलिटी दिखाएंगे, तो वो हिंदुओं पे कैसे अत्याचार करता था, राजपूतों पे कैसे क्या क्या अत्याचार किए, ये किए वो किए। तो मैं बोले बता क्या चाहिए। बोले मेरे को 50 तो राइफलधारी गार्ड चाहिए और 150 से 200 बाउंसर चाहिए, ये आप उपलब्ध कराओ और आप हमारी मदद करो। तो मैंने कहा शुरुआत कहां से करोगे तुम शूटिंग की? तो उसने कहा शूटिंग हम बॉम्बे से शुरू करेंगे। तो मैंने कहा बॉम्बे में उमेश सिंह जी रहते हैं, उनसे आप जाकर के मिल लो, आपकी स्कूटरी का और का ये जो भी है वो आपका प्रबंध कर देंगे। आप कितने दिन लंबी शूटिंग चलाना चाह रहे हो? बोले करीब 6 महीने तो फिल्म बनने में लगी जाएंगे। तो मैं आप उनसे जाके बात कर लेना, मेरा नाम ले देना और वो आपको जैसे भी जो भी सुविधा होगी वो सब उपलब्ध कराएंगे। ये बात हुई थी औरंगजेब फिल्म बनाने पर। पद्मावती का कोई नाम निशान कहीं भी नहीं था, ये आपके भाई आपके बेटे इस सुखदेव सिंह को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था। कल मैं आज तक वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगा। इसके साथ साथ कल 12 बजे पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है मैंने, उसमें एक एक सवाल का जवाब दूंगा। आपने डिवाइड में देखा होगा, मैंने कहा उसने जो आदमी आपका जो स्टिंग करने के लिए आपका आया था उसने मेरे से जो सवाल किया था वो दिखाओ आप। वो इतना कहते ही डिवाइड छोड़ के भाग गए वो। मैंने कहा था जो मेरे से सवाल उसने किया था वो दिखा। उसने सवाल औरंगजेब फिल्म बनाने को लेकर के किया था, ना कि पद्मावती के लिए। और मैं आपसे आह्वान करता हूं आपका भाई आपका बेटा होने के नाते कि ये पद्मावती फिल्म कोई भी कीमत पर रिलीज नहीं होनी चाहिए, 1% भी रिलीज नहीं होनी चाहिए। ये लोग कुछ जो राजपूत लोग है ना, जो राजपूतों की आज तक कबर खोदते हैं, जो शमशान भूमि में राजपूतों को पहुंचाते हैं, वो आज ये पोस्टें डाल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लिख लिख के कि ये देखो सुखदेव सिंह बिक गया। अरे क्या वो कहते हैं 1.5 करोड़ की सुखदेव सिंह को खरीदने की, बंसाली के बाप में भी नहीं है सुखदेव सिंह को खरीद सके। आज तक वालों ने डिबाइट बंद कर दी। मैंने कहा वो सवाल दिखाओ और कल बोलती बंद कर दूंगा सबकी। कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा रहा हूं आज तक चैनल पे। और मुकदमे दर्ज होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपसे आह्वान करता हूं ये कुछ भी षड्यंत्र रचे चाहे कुछ भी करें, हमारी माता सती पद्मावती के अगर अश्लील सीन दिखाएं या उस फिल्म के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को हीरो के रूप में दिखाएं या राजपुताने को बदनाम करने का काम दिखाएं या हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करें, तो इस फिल्म को कतई नहीं रिलीज होने देना है। मेरे भाइयों कान खोल करके सुन लो, ये कह रहे सुखदेव सिंह ने 20 लाख रुपए ले लिए, इतने लेने थे इतने बाकी थे। तो फिर सुखदेव सिंह 4 दिन आज ही आया हूं महाराष्ट्र से, 4 दिन में मेरी झकमर आ रहा था क्या नासिक में, वहां हर जगह बोल के आया हूं पद्मावती फिल्म का विरोध होना चाहिए और एक नंबर का जोरदार होना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों ये हमारे जो समाज का ये सफेद भालू है ना अंग्रेज, जो कभी साफा बांध बांध करके इस समाज को बहुत बेच लिया इसने, और मैंने आज तक इसके मंच पर इसने मेरे को रेपिस्ट, मेरे को बलात्कारी बना दिया, मेरे पर बलात्कार तक का मुकदमा दर्ज कराया। पर मैं नहीं बोला क्योंकि मैंने ये सोचा समाज एक हो जाए, एक जाजम पर आ जाए, एक झंडे के नीचे आ जाए। पर ये लोग बाज नहीं आते, ये बार बार मेरे को ठेस पहुंचा रहे हैं, मेरे को खत्म करने की सोच रहे हैं। ये 30 तारीख को बाड़मेर में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें इन्होंने जितना जोर लगाना था इतना लगा लिया। वहां के सुखदेव सिंह को मत बुलाओ उस प्रोग्राम में, जसवंत सिंह जासोल वाली ये पोल खोल देगा हमारी, क्योंकि जसवंत सिंह दत्ता को हराने के लिए ये लोग वहां वोट मांगने के लिए गए थे सोनाराम जाट के लिए, आपको पता होगा। और इसके बाद बंबई में 1 तारीख की मीटिंग है, कोई संगठन कोई भी मीटिंग आपकी रखे उस मीटिंग को इन लोगों ने जोर लगा लिया मुंबई की मीटिंग को भी फेल करने के लिए। पर आपका भाई आपका बेटा एक एक मुंबई वासी से 4 दिन और 4 रात मिलकर गए हूं मैं उस मीटिंग को कामयाब करने के लिए। आप लोगों का साथ और सहयोग मुझे चाहिए, युवा पीढ़ी का साथ और सहयोग चाहिए। बात रही सुखदेव सिंह को खरीदने की और समाज को बेचने की, तो आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि सुखदेव सिंह के आपके भाई को कोई खरीद सके। ये सारा षड्यंत्र यहीं से हमारे समाज के लोग हैं वो चला रहे हैं। आप आज उस खाकी सफेदारी को देखा होगा, सफेद भालू को, वो नोएडा ऑफिस में मौजूद था आज तक ऑफिस में। तो मेरे भाइयों कल मैं मुकदमा दर्ज करा रहा हूं और कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई भी सुझाव
आप मुझे देना चाहें निसंकोच दें, आपका भाई कभी राजपूताने को नीचा नहीं होने देगा, आपका भाई कभी राजपूताने को नीचा नहीं होने देगा। जय जय राजपूताना, जय मां भवानी।